नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एक रुझान तजर्बाती फिल्में बनाने का है। ऐसी ही एक फिल्म 50-50 प्रोडक्शन ने तैयार की है। इसमें हीरोइन एक एयरोस्टेस और हीरो टेलीविजन के न्यूज़कास्टर हैं, और साइड हीरोइन वो भी एक न्यूज़कास्टर है। आइए देखते हैं। नौकर टीवी दा आबिद हमीद और सायमा की मोहब्बत एक मिसाली मोहब्बत है। जिंदगी भर साथ निभाने के अहद पैमा हुए। सायमा, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात के 9 बजे हैं। कल रात मेरे दिल ने एक अहम इतला दी कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। अगर मेरे और तुम्हारे दिल के रास्ते टूट गए तो तुम तक किसी बुरी खबर पहुंचने का इम्कान है। तवज्जो फरमाइए, अगर किसी खानदानी दबाव की वजह से मेरी मोहब्बत में कमी होने लगे या शिद्दत गम से आपको सांस लेने में तकलीफ हो तो आपसे दरख्वास्त है कि नाक और मुंह को अच्छी तरह रुमाल से ढांप लीजिए और ताड़े मार मार कर रोने की कोशिश कीजिए। आंसू बहने की वजह से सांस लेने में आसानी होगी। शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दीजिए, कल शाम 5 बजे हिल पार्क के शुमाली इलाके में मुलाकात होगी और इसके साथ ही आज का मोहब्बतनामा खत्म हुआ। हुमैरा को आबिद और सायमा की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो अपने गुस्से पर काबू न रख सकी। वो चाहती थी कि आबिद हमेशा के लिए उसका हो जाए। आबिद, बाखबर जाहिर से मालूम हुआ है कि तुमने सायमा की मोहब्बत का पुरजोश तरीके से खैर मकदम किया है। हुमैरा, मुझे इस बात का खुले दिल से इतराफ है कि मैंने अपनी बख्शिया जिंदगी सायमा के लिए वक्फ कर दी है। कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हारे मंसूबे को नाकाम बनाने के सिलसिले में सख्त इकदाम करूंगी। मत भूलो कि मेरे वालिद के तुम पर बेशुमार एहसानात हैं। हुमैरा, मैंने तुम्हारे वालिद के एहसानों को कभी नहीं भुलाया। तुम मेरी तौहीन कर रही हो। तुमने मेरी बेइज्जती करने की रफ्तार तेज कर दी है। इस सिलसिले में मैं अपने वालिद से रुजू करूंगी। खास खास धमकियों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। आबिद सायमा का इंतजार करता रहा लेकिन वो ना आ सकी। उसकी नौकरी उसकी राह में दीवार बनी खड़ी थी। इधर आबिद भी मजबूर था। दुबई की कार तो लेट हो जाए, बिगड़ता क्या जिया ये काम। मिलेंगे तुमसे हम कैसे हुआ है वक्त खबरों का। शुक्रिया।
साहिबा, जैसे मुझे इतना मिली कि तुम दुबई का दौरा मुकम्मल करके वापस आ गई हो, मैं बसर ये बैगन तुमसे मिलने चला आया। साइमा से दुबई की रिपोर्ट। अब से ठीक एक मिनट 15 सेकंड के बाद मेरे वालिद तशरीफ ला रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि अपनी पुश सीधी कर लें और अपना अंबोलिया बिस्तर बांध कर यहाँ से टहल लें। मुझे अफसोस है कि आपका ये सफर नाखुशगवार गुजरा। शुक्रिया। जाने से पहले मौसम का हाल, अब से थोड़ी देर बाद इस कमरे में गुस्से का तूफान आने वाला है, इससे पहले कि तूफान आए मैं यहाँ से निकल लूं। रुक जाओ आबिद, कोई कतई फैसला करने से पहले सोच लो कि तुम्हें मेरे वालिद ने टीवी पर नौकर रखवाया है। एक सर्विलांस समाए, अगर आपने मुझसे बेवफाई की तो मैं 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाकर खुदकशी कर लूंगी। थैंक यू साहिबा। क्या आबिद साइमा को हासिल कर सका? क्या हुमैरा अपने मकसद में कामयाब हुई? ये सब जानने के लिए आज देखिए 50/50 प्रोडक्शंस की तजर्बाती फिल्म नौकर टीवी दा।